Nice movie. My favorite is Arun Dhawan, so I love him. You love Arun Dhawan acting? Yeah, I love his acting. The story is nice. Everything is good. Direction is good. VFX is good. Everything's nice. Like, it's funny and it's very interesting. Like, if you watch, and Kriti is nice in the movie. Yeah, definitely people should watch it. Like, one time, though, you have to watch it. What about music? Music is nice. Tumkeshwari song is like not in the movie. So we've been waiting like till the end that it's gonna come now, but not. So that is a out of 5 star? 4. Thank you so much. Hi. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा. अच्छा था, अच्छा था. इट्स नाइस, इट्स नाइस. वरुण धवन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बट आई वुड से वरुण धवन से भी अगर अच्छा लगा है वो है अभिषेक बैनर्जी की एक्टिंग, दीपक डोबरियाल की एक्टिंग बहुत अच्छा लगा, एंड वरुण धवन वॉज रियली गुड. नीति सरन बहुत अच्छी थी. आई मीन आई ऑलवेज लाइक हर एक्टिंग, सो शी वॉज गुड. गाना तो इसमें एक रोमांटिक सॉन्ग है, दैट इज़ वेरी नाइस. फिर एक जंगल में कांड हो गया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस सॉन्ग. एंड दो रैप्स है उसमें, एक जर्नी वाला सॉन्ग है और एक और रैप है जब भेड़िया बनता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. पैसा वसूल मूवी है, सबको देखना चाहिए ये मूवी. नया कॉन्सेप्ट है, ऑफकोर्स एवरीबडी शुड अप्रिशिएट न्यू. वुल्फ का साउंड अच्छा वाला निकलता है. ओह अच्छा, मैं 4.9 I will give it. Thank you. Oh my god. Then you आप घर जा सकती. कैसी लगी आपको भेड़िया फिल्म? बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी. It's a different concept, guys. It's a very, very different concept. I think one should come एंड वॉच द मूवी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में इस टाइप की मूवीज के पहले बने नहीं है. सच में मैं ये रिपीट कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बट इट्स ट्रू, यू नो, वन शुड कम एंड मस्ट वॉच. तो अच्छा है ऑब्वियसली, बट जो पंच लाइन है, ओ डैम. बहुत अच्छी है कृति ने, बहुत अच्छा काम किया है. वरुण धवन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बट जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अभिषेक बैनर्जी ही नेल्ड इट. He nailed it. Literally, he nailed it. Music तो obviously music was very nice. अच्छी मतलब हाँ, all the music are nice, but वो जो एक theme है वो that is like goosebumps. Of course it is. I'm literally waiting for second part. I mean, इसका होना चाहिए यार. Part 2, part 3 आना चाहिए. I mean, this is a different sort of movie. Just like, you know, जैसे ब्रह्मास्त्र के बाद वी आर वेटिंग कि ओके इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए. इवन आई एम वेटिंग फॉर भेड़िया पार्ट 2. लाइक देयर शुड बी समथिंग. नहीं, आई एम अ टेरिबल दिस थिंग, बट या आई कैन होल अ लिटिल बट नॉट मच. I'll give 3.5 of 5. Okay. Do you think it's a full paisa vasool movie? हाँ, paisa vasool है. Okay, great. कैसी लगी brother? Awesome. अच्छी लगी? हाँ. वरुण धवन के बारे में क्या कहना चाहिए? वरुण धवन, उनकी acting जो है वो बहुत सही है फिर ये movie में. और अभी ये movie मतलब एक बार नहीं, मतलब बहुत बार देख सकते हो आप. ऐसा नहीं है कि वन टाइम वॉच है, बहुत औसम है. और 5 स्टार मिलेगी, इतनी अच्छी है. कृति सैनन की भी एक्टिंग अच्छी है, और लास्ट में जो हुआ है वो बता नहीं सकता, स्पॉइलर. नेक्स्ट नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ट्विस्ट है. हाँ हाँ, सही में 5. इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी, आई विल गिव 10/10. पर 2022 की जो बेस्ट जॉनरा कॉमेडी मूवी थी वो वरुण धवन की यही थी. कृति सनन का रोल बहुत कम है मूवी में, बट बहुत बेस्ट. म्यूजिक इज़ फैंटास्टिक, और जो अभिषेक बैनर्जी की एक्टिंग थी वो बेस्ट थी. जो उनके दोस्त बने हैं मूवी में, दे शुड डेफिनेटली वॉच इट. थैंक यू. हेलो, कैसी लगी फिल्म? मस्त मूवी, अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी एक्टिंग है वरुण. 5/5 स्टार. सैनन भी अच्छी, बहुत अच्छी.
एंड पार्ट बहुत अच्छा था लाइक म्यूजिक की अगर बात की जाए डायरेक्शन के बारे में भेड़िया का टाइटल सॉन्ग बेस्ट है एज वेल एज ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे बहुत 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 वन टाइम वॉच है आउट ऑफ 5 मोमेंट्स 5 5 थैंक यू या हाय हाय भेड़िया मूवी आपने देखी आपको कैसी हाँ अच्छी है ठीक है मतलब इतनी अच्छी भी नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि स्टोरी अच्छी है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट उन्होंने राइटिंग में थोड़ा सा मेहनत नहीं करी है काम कैसा लगा वरुण की मैं बात करूँ वरुण मुझे हर कैरेक्टर में हर मूवी में एक जैसे ही लगते तो इस मूवी में मुझे वो सेम लगे कृति सेनन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका बट उन्हें पता नहीं उन्हें क्यों इतना वो रोल नहीं दिया गया इस मूवी में बहुत ही कम रोल दिया गया उन्हें तो मुझे आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड सचिन एंड जिगर हाउ माई गॉड उनका म्यूजिक बहुत अच्छा था बहुत पैपी सॉन्ग्स थे आई लव्ड इट स्पेशली द जंगल वाला